हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका आज की वीडियो के अंदर। आज की वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप नया पीसी ले रहे हैं तो नया पीसी खरीदने के बाद यानी कि उसको बाय करने के बाद आपको क्या क्या चीजें सबसे पहले सेटअप करनी चाहिए वो हम आज की वीडियो के अंदर आपको बताएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं हूँ आपका दोस्त अमरीत और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लर्न कुछ नया। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट इस छोटे से म्यूजिक के बाद। सबसे पहली बात आ जाती है कि आपको अपने पीसी के अंदर जो विंडो आपको दी जाई है या आपको इंस्टॉल की है आपने जो विंडो उसको आप सबसे पहले अपडेट कर लीजिए। क्योंकि क्या होता है कि एक बार हमारे फॉर अगर हम एग्जांपल लें कि हमने कोई न्यू बाइक ली है और तब हम क्या कहते हैं जो एजेंसी वाले होते हैं वो हमको कहते हैं कि भाई जब आपकी बाइक 500 किलोमीटर चल जाए या जितना भी वो कहते हैं कि इतने किलोमीटर के बाद आपको इसको सर्विस करवानी जरूरी है। क्योंकि इससे क्या होगा, इससे जो इसके नट बोल्ट है वो लूज हो जाएंगे और फिर उसको टाइट करवाना पड़ेगा। वही चीज सेम चीज हमारे पीसी की विंडो के साथ भी है। क्योंकि फिर क्या होता है कि हम न्यू विंडो इंस्टॉल की है और हम उसको रन करते हैं उसको चलाते हैं तो उसके अंदर कोई मतलब थोड़ा सा एक छोटा सा कोई बग आ जाता है, कोई मतलब प्रॉब्लम आ जाती है छोटी सी, तो वो जो प्रॉब्लम है वो जरूरी नहीं है आपको कहीं लेकर जाना है। वो कई बार क्या होता है अपडेट हम उसको करते हैं तो वो अपडेट उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। तो इसलिए आप अपने पीसी की जो भी विंडो है उसको अपडेट कर दीजिए। इससे क्या होगा, अब आप सोचेंगे कि यार मैंने तो विंडो न्यू इंस्टॉल करवाई है तो इसके अंदर अपडेट करने की क्या जरूरत है। कई बार क्या होता है कि अपडेट ऐसे होते हैं जो हम उसको इंस्टॉल करते हैं, जब हम उसको एक दो दिन उसको विंडो को चलाते हैं तब उसके अंदर अपडेट आता है, तो वो चीज आपको अपडेट करनी चाहिए। नंबर टू क्या कहता है गाइस, आपको अपने पीसी के अंदर जो भी ब्राउजर है उसको मेक एज अ डिफॉल्ट आपको चूज करना है। कि कई हमारे पीसी के अंदर हमको माइक्रोसॉफ्ट एज भी मिल जाता है, हमको इंटरनेट एक्सप्लोरर भी मिल जाता है, हमको फायरफॉक्स भी मिल जाता है और हमको गूगल क्रोम भी मिल जाता है। तो वो मैं एक पर्टिकुलर आपको नहीं के रेकमेंड करूंगा कि आप इसको ही यूज कीजिए, जो आपको अच्छा लगे। कई मतलब लोग होते हैं जैसे मेरे कई फ्रेंड्स हैं वो शुरू से, एक मेरा फ्रेंड है वो शुरू से ही माइक्रोसॉफ्ट एज को यूज कर रहा है। तो मैंने उसको कहा कि भाई तू गूगल क्रोम क्यों नहीं यूज करता है, तो कहता है भाई मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे इसके अंदर सभी पता है कि कैसे कैसे ये वेबसाइट ओपन करता है, क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर, प्रॉब्लम्स क्या आती हैं, वो सभी चीजें मैं सॉल्व कर लेता हूँ। तो जो चीज आपको अच्छी लगे, जिसके अंदर आप मतलब जिसको आप पहले से यूज कर रहे हैं वही ब्राउजर आप पीसी के अंदर भी यूज कर लीजिए। इससे क्या होगा, इससे आपको इजी होगा उसको मतलब उसके अंदर साइन अप करना है ये सभी चीजें और उसके अंदर वेबसाइट्स को ओपन करना है, सभी चीजें आपको पता होगा पहले से ही, तो वो चीज आपको एज अ डिफॉल्ट आपको अपना ब्राउजर चूज करना है। नंबर थ्री पे आ जाता है गाइस, आपको अपने पीसी के अंदर एंटीवायरस डाउनलोड करने की जरूरत ही नहीं है। हम क्या करते हैं, हम अपने पीसी को, हमने पीसी लिया, सभी चीजें सेटअप की, जीमेल आईडी सब चीज भर दी और तभी हमने एंटीवायरस डाउनलोड कर लेते हैं कि भाई मेरे पीसी से अंदर कोई भी वायरस ना आ जाए। तो गाइस आपको डाउनलोड करने की जरूरत ही क्या है यार, आपको अपने पीसी के अंदर इनबिल्ट मिलता है ना एंटीवायरस, आप उसको एक्टिवेट कर लीजिए। हमारे पीसी के अंदर जो भी हमको कंपनी, फॉर अगर मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताऊं, जो चीज हमको कंपनी की तरफ से आई है वो चीज हमेशा बेस्ट होगी अब फर्दर हम की बाहर से उसको इंस्टॉल करते हैं। तो फॉर अगर हमें एग्जांपल है, जैसे मैंने पहले बाइक की एग्जांपल की, वही चीज अगर हम एग्जांपल बाइक की हम कंटिन्यू करते हैं तो जैसे कि हमको कंपनी की तरफ से हम सर्विस करवाते हैं तो वो काफी ज्यादा अच्छा वर्क करता है, वो उसके अंदर जल्दी से खराबी नहीं आती। लेकिन अगर हम कहीं बाहर से सर्विस करवाते हैं तो हमारे मोटरसाइकिल के अंदर खराबी आ जाती है ना गाइस, तो वही चीज आपके लैपटॉप के अंदर भी है। तो इसलिए आप प्लीज बाहर से कोई भी एंटीवायरस को डाउनलोड मत कीजिए, क्योंकि हम क्या कहते हैं किसी अननोन वेबसाइट से उसको डाउनलोड करते हैं, क्या आपको क्या पता है उसके अंदर वायरस है या नहीं? नहीं ना, हमको कैसे पता लगेगा कि भाई जो हम एंटीवायरस डाउनलोड कर रहे हैं उसी के अंदर वायरस हो? तो ऐसे आप मत कीजिए, आपको अपने पीसी के अंदर पहले से इनबिल्ट आपको एंटीवायरस मिलता है, आप उसको एक्टिवेट कर लीजिए और आपको कुछ भी डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है और आपके पीसी के अंदर कोई भी खराबी नहीं आएगी, कोई भी वायरस नहीं आएगा आपके पीसी के अंदर। नंबर फोर पे आ जाता है गाइस, आपको अपने पीसी का, जब आपने नया पीसी लिया है तो उसका अभी से आपको बैकअप क्रिएट करना स्टार्ट करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, जब हम कोई काम को एक एक बार रोज रोज करते हैं तो हमें उसकी आदत डल जाती है, तो हमको भूलते नहीं है हम वो चीज। कई बार क्या होता है कि हमको हमारा बहुत, अगर हम फॉर एग्जांपल है कि आपका डाटा बहुत ज्यादा पड़ा है आपके पीसी के अंदर और तभी आपके पीसी के अंदर कोई खराबी आती है, आपका पीसी जो है वो हैंग करने लग जाता है या आपके पीसी और कोई प्रॉब्लम आ जाती है आपके पीसी के अंदर, तो तब हम एक साथ अपने डाटा को ट्रांसफर करेंगे तो उसमें टाइम भी लगेगा और क्या पता कि जब आप उसको मतलब ट्रांसफर कर रहे हैं तब वो हैंग हो जाए और आपका डाटा जो है वो इरेज हो सकता है। तो इसलिए आप अपने डाटा को इससे पहले खतरे में डाले अभी से आप उसका बैकअप क्रिएट करना स्टार्ट कर दीजिए, और जब भी आप कोई नई चीज अपने पीसी के अंदर करेंगे तो आप उसका बैकअप
जल्दी से जल्दी बना लेंगे और आपको इन फ्यूचर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपके डाटा के रिलेटेड कि भाई अगर मेरे पीसी के अंदर या मेरे पीसी के अंदर ये खराबी आ गई है, मेरा डाटा ना हो जाए, तो आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको पता होगा कि मैंने पहले से इसका बैकअप बना के रखा हुआ है। तो आज की वीडियो के अंदर जो मैंने आपको टिप्स बताए हैं, इनकी हेल्प से आप अपने डाटा को सेव कर सकते हैं, अपने पीसी के अंदर जो छोटे मोटी प्रॉब्लम्स हैं उनको आप सॉल्व कर सकते हैं। आई थैंक यू यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर दीजिए ताकि हम जो भी नई वीडियो लेकर आए उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।